इधर भक्ति किसी और को देना मेरे भाई, शेर है शेर, डरते नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का श्राप लगेगा आपको। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। मुसलमान जोड़ो यात्रा कहते हैं, मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को दो, बाकी कुछ मिल जाएगा। कहावत है ना एक, वो जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार। एक मुख्यमंत्री कल रात से भागा हुआ है, अभी शाम को प्रकट हुआ, डर हम रहे हैं। ईडी ने बुलाया तो कल ईडी ने बुलाया तो चार आदमी को पकड़ के चलने लगे, बीमार बन गए, डर हम रहे हैं। बार बार कहता हूँ कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट टू, रूट निकाल के देख लीजिए, सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसे मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं? यही इसलिए डरे हुए हैं। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में 2024 के मोदी जी के विरोध में बना एंटी गठबंधन और आपसी क्लेश में शिकार हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने दूरी बना लिया तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अब नीतीश कुमार अलग होकर एएनडी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। जो लोग कल तक नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, आज वही लोग नीतीश कुमार पर कोस रहे हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं बातों के ऊपर चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, क्यों कर रही? क्योंकि भय व्याप्त है उनको। उनको पता है एक भी चर्चा किसी टेलीविजन पर, पीएमओ से जो आदेश आता है कि चर्चा करो साफ प्रतिपक्षी दलों पर, अरे हम तो अपना निर्णय लेंगे समय आने पर, ना तो कोई आचार संहिता लग गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है इंडिया दलों का, इसी पर ही चर्चा हो। सिर्फ आपके गठबंधन पर तो चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी 38 दल तो मुंह दिखावे के हैं, गठबंधन किन से इनका? ईडी से, सीबीआई से, 39 हो गए ना, संवैधानिक संस्थाएं उससे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 39 हो गए। दूसरा, जितने लुटेरे हैं आप देख लीजिए, जितने पापी और लुटेरे हैं 41 हो गए ना, तो नाम भी नहीं पता होंगे। मैं दावे से कहता हूँ 10 नाम गिना दिए यहाँ पर, इनको पता भी नहीं है। 39 वो तो आप 39 नीतीश जी आ गए इधर, 4 बार सुना उन्होंने कहा मोदी जी के खिलाफ। अरे एनडीए एक बार तो बोल दो, आप तो बोल दो मुंह से नाम ले दो एनडीए का, एनडीए का नाम भी नहीं लेना चाहते ये। इनकी जो आक्रमकता देखिए, झारखंड में, यहाँ बिहार में अब चर्चा करने को तैयार नहीं। नीतीश बाबू का नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं ले रहा, वो ये दिखा रहे हैं कि देखो साहब ईडी चली गई लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, वो झारखंड में ईडी काम कर रही है। अरे 24 में सरसत्ता से बाहर हो जाओगे ना तो 7 साल जेल के बाहर नहीं आओगे, ध्यान रखना। इतना आकंठ पाप में डूब गए हो आप। अरे गिदड़ भक्ति किसी और को देना मेरे भाई, शेर है शेर, डरते नहीं है। तुम्हारे जो ये भेजो हेमंत तो विश्वा शर्मा के, देख लिया मैंने कितने बड़े शेर हैं, भेजो हसन मुंशरीफ के, गजब शेर हैं आप लोग तो, भेजो अजीत पवार के, भेजो प्रफुल पटेल के, भेजो गजब घोटालेबाज शेर है, भेजो मुकुल राय के, घोटाला करके शेर बेल पे घूम रहा है। घर में रखे 4 बर्तन बचते हैं क्योंकि घर आस्था से चलता है। सराय में रखे बर्तनों की कभी आपने आवाज नहीं सुनी क्योंकि वहां व्यापार किया जाता है। मोदी जी और उनकी पार्टी शुद्ध व्यापार में लगी है, कहां तुलना करते हो आप? बहुत कठिन जाता है अजय आलोक को। कल तक नीतीश बाबू को रद्दी माल बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे थे कि महिलाओं के लिए जिसने इतनी घृणित बात सदन में की, बिहार की महिलाओं पूरे विश्व में बेइज्जती कर दी नीतीश कुमार ने, जिसको गाली देते हैं उसको गले लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से जिसको गाली दें तो भाजपा का कार्यकर्ता को ये पता लग जाता है कि 8 दिन में उसको गले लगाने वाले। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अरे ये 38 दल है कौन, बताओ तो सही, कभी चर्चा सुनी भी है आपने? क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इतना प्रतिपक्षियों से आप? क्या भय है? प्राण प्रतिष्ठा कर ली ना जिसके नाम पर वोट चाहते थे आप, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का श्राप लगेगा आपको। इनके दल में 38 दल है, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, 9 ने तो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। हमारे यहाँ सब प्रांतों के स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रभावी राजनीतिक दल हैं। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप कर्नाटका में देख, सारे प्रांतों में जो मजबूत नहीं दल तो हैं अभय जी, लेकिन दल एक साथ भी तो आए। आपने अभी जिन दो नामों का, दो राज्यों का जिक्र किया, दोनों ही का तो उदाहरण दे रहे हैं, बिहार का भी और बंगाल का भी, कहां हो रहा है समझौता? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जहां समझौता होगा वहां सब साथ मिलकर लड़ेंगे। 2004 में भी तो यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज राहुल गांधी बिहार में ही थे और उन्होंने कहा जाते हैं तो जाएं, हमें जरूरत नहीं ऐसे लोगों की जो जरा सा दबाव पड़े और बिखर जाएं। हम लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो ठीक ही तो कहा, वो तो गाना या उनको ये गाना गाना चाहिए था राहुल गांधी को, जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना। सलाम दुआ भी नहीं हुई, ऐसे चले गए बेचारे राहुल गांधी।
सौरभ जी, मैंने आपको बोला था आज से एक महीना दो महीना पहले जब ये घमंडिया की शुरुआत हुई थी, ये कुछ नहीं है, ये घमंडिया वमंडिया है ही नहीं कुछ, ये बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपने देखा है ना, दिल्ली के बगल में। जनवरी फरवरी पक्षी आके बैठते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी सीजन होता है, तमाम जातियों के पक्षी आके वहाँ बैठते हैं, और उसके फरवरी से जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है सब पक्षी अपनी राह ले लेते हैं। तो ये क्या थे, ये विपक्षी थे, वी प्लस पक्षी, एकता कहाँ से होगी इनमें। ये घमंडियों का समूह एक दूसरे से इतना ज्यादा चिढ़ता है, एक दूसरे को अजगर की तरह निगलने को तैयार रहता है, और कांग्रेस पार्टी तो जीता जागता एग्जाम्पल है ना भाई। कर्नाटका में जेडीएस को निगल गई, तेलंगाना में बीआरएस को निगल गई, और ये मुसलमान जोड़ो यात्रा उसी के लिए है। ममता दीदी या बदरुद्दीन अजमल या बाकी लोग चिढ़ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी चिढ़ रही है, वो इसीलिए चिढ़ रही है कि कांग्रेस उनको निकलने आ रही है। मुसलमान जोड़ो यात्रा कहते हैं मुसलमानों का वोट, एक तरफा कांग्रेस को दो बाकी कुछ मिल जाएगा, इन लोग क्षेत्रीय पार्टी निपट जाएंगे, इनको अपनी एग्जिस्टेंस की चिंता है। अभी तो देखिए, अभी तो वो कहावत है ना एक, वो जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार। यात्रा शुरू की, बदरुद्दीन अजमल भागे असम में, दीदी भागी बंगाल में, बिहार में घुसने के पहले नीतीश जी ने प्रणाम किया, यूपी जाएंगे क्या होगा, महाराष्ट्र में उससे पहुंचते तो कहानी खत्म, बर्ड सेंचुरी का काम खत्म। तो ये पक्षी अभयारण्य घूमने का जो काम है, इस पक्षी अभयारण्य घूमने से सिर्फ एक का फायदा होगा, मुसलमान जोड़ो यात्रा थोड़ी और मजबूत होगी। हमें कहते हैं कि हम डर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री कल रात से भागा हुआ है, अभी शाम को प्रकट हुआ, डर हम रहे हैं। दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहा था, अभी तक सब मीटिंग कर रहा था, आज ईडी ने बुलाया तो कल ईडी ने बुलाया तो चार आदमी को पकड़ के चलने लगे, बीमार बन गए, डर हम रहे हैं। शाबाश, राहुल गांधी बोलते हैं कि चले गए तो चले गए, हम अकेले लड़ेंगे, और ईडी जब बुलाता है तो 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में निकल जाते हैं उनके पीछे पीछे, डर हम रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। बर्तन क्या बुलाते हैं, हमें व्यापार करते हैं, जी नहीं साहब, इसको कहते हैं नेतृत्व। ये नेतृत्व की क्षमता होती है, नेतृत्व की विश्वसनीयता होती है। तो हमारे साथ जितने आए हैं ना, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है। आपके यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं ना कुकुरमुत्ते की तरह, उन सबको प्रधानमंत्री बनना है, और आपका बस चले ना तो साल के 12 महीने है तो साल के 12 महीने 12 प्रधानमंत्री, लेकिन हो नहीं रहा है ना, दिक्कत यह है आपकी। आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट अनाउंस कर दी, भगवंत मान उधर पंजाब में बोल चुके हैं अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे कहते हैं 25 से नीचे नहीं लड़ेंगे, शरद पवार कुछ और कहते हैं, कितने खंड खंड में बिखड़ी है कुछ पता भी। कांग्रेस थोड़ी अपने आप को री इन्वेंट करे, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं देश को समझना चाहता हूँ, तो देश समझ रहे हैं, देश को समझते समझते समझ में आया कि हर जगह रीजनल पार्टी कांग्रेस का वोट खा के बैठी हुई है, तो पहले इनको निपटाएंगे, और शुरुआत अच्छी हुई है, कर्नाटका में जेडीएस को निपटाया, बीआरएस को तेलंगाना में निपटाया, इन कैसे निपटाया, ये निपटाने का भी एक मॉड्यूल है, निपटाने का मॉड्यूल है कि माइनॉरिटी वोट मुस्लिम वोट को एक तरफा अपनी तरफ करो, और बाकी जितने हिंदुओं को डिवाइड कर सकते हो उसका वोट लो। मॉड्यूल ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट टू, रूट निकाल के देख लीजिए, सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे हैं, बिहार में भी कहां से घुसे, किशनगंज में घुसे, अररिया जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे, निकल जाएंगे, सारा सीमांचल का एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, बंगाल में भी वहीं जा रहे हैं। ममता दी क्यों गुस्सा गई, सिलीगुड़ी में क्यों बैन कर दिया, पोस्टर क्यों फाड़ दिए गए, क्योंकि आज के डेट में बंगाल में वो मुस्लिम वोट 100% ममता दी के साथ है। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसे मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं, यही इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर मुसलमान अखिलेश के पास से निकल जाएंगे यूपी में तो बचेगा क्या। तो सब कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के मन में ये डर बैठा हुआ है कि कांग्रेस उनको निगलने के फेर में, नंबर एक। नंबर दो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई असर नहीं पड़ता, हम तो जानते हैं कि हम किनसे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, मैं 2 साल पहले जब बीजेपी में नहीं आया था मैं तब भी बोलता था कि ये सारा अलायंस एक ही तरह बन सकता है कि अगर किसी तरह नरेंद्र मोदी को 272 पे आने से रोक दो तब ये जितने होंगे ना अपने सारे मतभेद भूल के एक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ 272 तो बहुत दूर, यहाँ 350 से ऊपर हम जाएंगे, तो इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, देश की जनता इनकी हकीकत देख रही है। आज की तारीख में अखंड भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे हुए लोग क्या करेंगे। आज सपा की लिस्ट देखिए आप जरा, 16 कैंडिडेट को अनाउंस किया, 16 में से 3-4 घर के, अक्षर यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे